अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महा महमद एलसी टीवी पर। हम आपके लिए पंजाब विलेज पंचायत नेबरहुड काउंसिल एक्ट 2019 की अगली एपिसोड में हाजिर हैं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के उम्मीदवार तो बहुत हैं, लेकिन हमारे इस एक्ट में इनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताया गया है। आज की हमारी इस एपिसोड का अहम टॉपिक यही है। हमारे साथ मौजूद हैं लोकल गवर्नमेंट एक्सपर्ट और लोकल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अनवर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि अभी हमने बात की है कि हम आज कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो आप हमें बताइए कि इस एक्ट की मुख्तलिफ नशिस्तों में उम्मीदवारों के क्या है अहलियत का क्राइटेरिया? देखें जी, पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड एक्ट 2019 जो है जी, इसके मुताबिक उम्मीदवारान जो हैं, चाहे वो जनरल मेंबरान हो गए, चाहे वो ख़वातीन हैं और चाहे वो नॉन मुस्लिम की नशिस्तें हैं, तो सबके लिए क्राइटेरिया जो है डिफ़ाइन किया गया है। उसकी दो मेजर शराइत हैं। एक नंबर वन तो ये है कि आपकी उम्र जो है उस दिन 25 साल होनी चाहिए जिस दिन आप अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाते हैं किसी भी नशिस्त के लिए, तो आपको 25 साल का होना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी शराइत ये है कि उस उम्मीदवार का जो वोट है उसका इंदराज जो है वो उस विलेज पंचायत या नेबरहुड काउंसिल में होना चाहिए। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर मैं, मेरा ताल्लुक किसी देहात से है तो उस देहात में मेरा वोट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी मैं इलेक्शन में हिस्सा ले सकूँगा, वरना वहाँ पे आप उसके अहल नहीं हैं। तो ये दो ही मेजर शराइत हैं जी। ठीक सर, और इसके अलावा जाहिर है कि क्वालिफिकेशन की शराइत हैं, तो फिर डेफिनेटली डिसक्वालिफिकेशन की भी कुछ शराइत बताई गई होंगी, तो उनका क्या हमारे एक्ट के अंदर क्राइटेरिया होता है? देखिए, इसमें काफ़ी शराइत रखी गई हैं और ये पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। इससे पहले जो एक्ट थे, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 और पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, उसके अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था और अभी इसमें भी थोड़ा तब्दीली के साथ जो है तो उसकी काफ़ी शराइत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई उम्मीदवार जो है वो वहाँ का रहायशी ना हो, उम्मीदवार बनना चाहता है लेकिन उस गांव का या उस नेबरहुड काउंसिल के एरिए में वहाँ का रहायशी नहीं है और रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, रहायशी तो हो सकता है रजिस्टर्ड वोटर ना हो, तो वो कैंडिडेट नहीं बनता। दूसरी शर्त जो इसमें है उसमें किसी का सजा याफ्ता होना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 6 माह से ज़्यादा अब की सज़ा हुई है किसी भी कोर्ट से और उसने वो सज़ा पूरी कर ली है और उस सज़ा को पूरे किए हुए 7 साल का अरसा गुजर गया है, अच्छा, तो फिर वो कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन अगर 7 साल से कम का अरसा है, सज़ा वो 6 माह से उसको ज़्यादा हुई है, फ़र्ज़ करें 7 माह की सज़ा हुई है, 8 की हुई है, साल की हुई है, 2 साल की, उसने सज़ा पूरी करके घर आ गया लेकिन सज़ा को पूरे हुए अभी 7 साल नहीं हुए, तो वो कैंडिडेट नहीं बन सकता। अच्छा, ठीक है, तो ये बड़ा अहम है। अच्छा, इससे अगला जो एक शर्त है उसमें यूटिलिटी बिल्स जो हैं हमारे, जैसे हमारा वाटर का बिल है, सैनिटेशन का है, गैस है और आपका बिजली के बिल है, अगर वो आपने पिछले 6 माह में जो ड्यू थे आपने पे नहीं किए तो फिर भी आप कैंडिडेट नहीं बन सकते। तो वो ये जहन में रहे कि ये वो आपको पे, अगर आप पे कर दें, ये सवाल हो सकता है कि अगर वो पे कर दें तो पहले जाहिर है आपको पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी मुतल्लिका डिपार्टमेंट से और उनको आप जो अनपेड बिल है वो पे करेंगे, इजाज़त लेंगे तभी इलेक्शन में हिस्सा आप ले सकेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है ख़ास तौर पर विलेज पंचायत के लिए। देखें, गाँव के अंदर पंजाब के जो जितने गाँव हैं यहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं और उनके ऊपर झगड़ा है बहुत ज़्यादा और हर किसी की कोशिश है कि ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया जाए और लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं। तो यहाँ इन्होंने शर्त रखी है कि अगर सरकारी अमलाक के ऊपर कोई शख्स जो है वो गैर कानूनी तौर पे काबज है तो वो भी विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल की किसी भी नशिस्त के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता। इसके अलावा आप देखें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विलेज पंचायत नेबरहुड काउंसिल के सप्लायर हैं, उनको कुछ चीज़ें या उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं या उनका कोई ना कोई मफाद डायरेक्टर फाइनेंशियल जो है वो एग्रीमेंट में है, तो वो भी इसके लिए उम्मीदवार जो है वो किसी भी नशिस्त के लिए नहीं बन सकते। फिर इससे काम है, सबको पता है कि अगर आप सरकारी मुलाजमत भी हैं
किसी भी किस्म सरकारी मुलाजमत है तो आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। या मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा हम जर्मनी में थे तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ सरकारी ऑफिसर जो है वो भी काउंसलर बन सकता है। तो हमारे वहाँ के आबादी काम है वो डुअल, वहाँ पे जिम्मेदारियाँ लोगों को दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। इसी तरह से अगर कोई शख्स जो है सरकारी नौकरी से निकाला गया हो, उसको जबरी रिटायर किया गया हो, या उस पर कोई इल्ज़ाम हो रिश्वत का, बद अखलाकी का, कोई हैरेसमेंट का, और उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वो भी उम्मीदवार किसी भी नशिस्त के लिए नहीं बन सकता। और एक और अहम इस पे है कि अगर किसी भी कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए, सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए, नेशनल असम्बली की नशस्तों के लिए, सैनेट की नशस्तों के लिए अगर किसी को नाहल करार दिया गया है और वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो ये वो शरायत हैं जो कि बड़ी अहम हैं। और जितने भी हमारे लोग इंटरेस्टेड हैं अगले इलेक्शन में, ख़वातीन हज़रात जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको पहले इन शरायत को मद्देनज़र रखना चाहिए, तभी वो अपनी कैंपेन स्टार्ट करें, तभी वो एप्लीकेशन फिल करें और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनवर साहब, आपने इतना इफेक्टिवली और इतने डिटेल में अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है। जी व्यूअर्स, जैसे कि हम सब ने सुना कि अनवर साहब ने बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे साथ जो है वो बहुत बारीकी वाले सारे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं कि कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस के जो क्राइटेरिया है वो क्या है हमारे एक्ट के अंदर। एंड आई एम श्योर कि ये हमारे ख़ासतौर पर जो वो लोग जो उम्मीदवार बनने के उसमें एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही हम अपना आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हम एक बार फिर दोबारा अपनी अगले एपिसोड पर एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब आवर चैनल LCA TV एंड डू लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।